बेसिकली मैं यहाँ पे कल के लेक्चर की बात बोलूँ तो अपन लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट किया जाता है और किस तरीके से उनके मैग्नीट्यूड और उसका जो आपका टेन थीटा होता है वो निकाला जाता है। बेटा बेसिकली ये बात अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ता हूँ तो वो है बेटा आपका यूनिट वेक्टर। देखो जब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा था तब मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेकिन वहां पे मैं इस चीज की फील नहीं दे पाया था कि यूनिट वेक्टर होता क्या है और किस तरीके से इसका यूज आया और क्यों इसको काम में लिया गया। देखना बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे कोई बंदा है, सपोज मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं कोटा में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोटा में रहता हूँ और मेरे को जाना है, सिंपल सा मेरे को जाना है बेटा आपका अजमेर, कहाँ जाना है, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ यहाँ पे मेरे को जाना है बेटा आपका जोधपुर। एक बात बताना, अगर मेरे को जोधपुर जाना है, अगर मेरे को जोधपुर जाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, कोटा से चलना स्टार्ट होगा। और जोधपुर आपका कितने किलोमीटर बेटा, आपका 300 किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बोलता हूँ जो आपका जयपुर है वो 200 किलोमीटर है और जो आपका अजमेर है वो आपका 250 किलोमीटर है, तो यार हुआ क्या कि मेरे मन बना लिया कि मेरे को यहाँ पे बस अपन को जोधपुर जाना है और जोधपुर जाने के लिए मैं निकला। अब यार हुआ क्या कि जैसे मैं निकला ना तो यहाँ गया इस तरीके से आगे 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 और यहाँ तक आया। जब यहाँ पे आया ना बेटा तो यहाँ पे ना बोर्ड लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था बेटा आपका, कुछ इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ था, लगे हुए रहते हैं बोर्ड वगैरह, देखना हमेशा देखना कहीं भी आपका चौराहे वगैरह होता है, जब अपन लोग कहीं जाते हैं तो वहां बोर्ड लगा हुआ रहता है अजमेर जयपुर कोटा इस तरीके से। अब देखना यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था सिंपल सा आपका जयपुर जोधपुर और अजमेर। तो यार ये जो तीनों चीजें लिखी हुई थी जयपुर जोधपुर और अजमेर, ये लिखा हुआ था, बस ये लिख के छोड़ दिया, भैया बोर्ड लगा दिया, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ जयपुर जोधपुर अजमेर। अब यार क्या हुआ, जयपुर जोधपुर अजमेर तो इन लोगों ने लिख लिया लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस साइड में, क्या नहीं बोला बेटा कि वो किस तरफ में है, मतलब बेसिकली उसकी लोकेशन नहीं बताई। तो मेरा मन क्या किया, मैंने सोचा कि यार मैं अजमेर, मेरे को बेसिकली जोधपुर जाना है तो जोधपुर जाने के लिए यहाँ पे तीनों लिखे हुआ जयपुर जोधपुर अजमेर, अब मेरे को जाना किधर है जोधपुर, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, अब मुझे पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज मान लिया कि यार मैंने इधर मुड़ गया, तो इधर मुड़ा आगे गया फिर आगे गया फिर आगे गया, जब 4-5 घंटे हो जाते हैं जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलता है जयपुर। क्या मिलता है बेटा आपका जयपुर, और तेरी अपन तो गलत आ गए, फिर क्या हो सकता है। अपन ने मैंने सोचा यार ठीक है यार मैं 200 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो पहले मैंने क्या किया 200 किलोमीटर वापस आया यहाँ तक, फिर वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गया। अब जब मैं इसी पॉइंट वापस आ गया तो एक बात बताना, ये बंदा जाना कहाँ चाहता था आपका, बेसिकली जोधपुर, पहुंच का गया था बेटा आपका जयपुर, उसे पता चला अच्छा जयपुर आ गया है, वापस वो लौट के आ गया। अब जब वो लौट के आता है बेटा तो यहां से आ गया और यहां से आ गया, कितना ट्रेवल कर चुका है बेटा आपका, ये आपका 200 + 200 ये ट्रेवल कर चुका है। अब बेटा इसका मन क्या किया, अच्छा इस डायरेक्शन के अंदर आपका जोधपुर नहीं है, तो उसने सोचा यार अब जोधपुर है किस डायरेक्शन में, तो उसको क्या है ना सीधा जैसे यहाँ आया ना तो रुका नहीं उसने, भाई साहब उसने विदाउट पलटी मारा इस साइड में आ गया ऐसे 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 ऐसे, और कुछ टाइम बाद के अंदर यार है ना 250 किलोमीटर पे भाई साहब आप लोगों को क्या मिल गया, अजमेर मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपका अजमेर, इसका दिमाग खराब हो गया यार ये हो क्या रहा है, साला ऊपर चला गया तो वहां पे मेरे को क्या मिल गया था जयपुर मिल गया था, नीचे आ गया तो मेरे को अजमेर मिल गया, यार मेरा जोधपुर कहाँ पे है, तो उसका फिर दिमाग सरक गया, उसने दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, यहाँ से चला यहाँ आया, अब उसने कहा यार इधर गया तो जयपुर आ गया, इधर गया तो अजमेर आ गया, अब मैं किधर जाऊँ, अब मैं सीधा ही चला जाता हूँ यहाँ पे शायद मिल सकता है। तो भाई साहब एक बात बताना ये 250 मतलब कितना चल चुका है यहाँ पे भी, आपका 250 + 250 बराबर आपका कितना हो गया बेटा आपका 500 किलोमीटर। अब देखना जब इसने इतना सब कुछ रिसर्च मारा तो ये फिर है ना इधर मुड़ा, कहाँ मुड़ा बेटा आपका इधर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और एट द एंड वो कहाँ पहुंच गया बेटा आपका, वो पहुंच गया बेटा आपका जोधपुर, कहाँ पहुंच गया बेटा आपका जोधपुर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब यहाँ पे लोकेशन नहीं दे रखी है, बेसिकली डायरेक्शन नहीं दे रखी है किस डायरेक्शन में क्या है, तो अपन लोग कहीं पे मुड़ जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो बंदा था, इस बंदे ने क्या सोचा, यार एक बात बता, अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा, अगर मैं तुम देख के बताओ तुम्हें पता है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरफ ऐसे सीधा सीधा जाता तो मेरे को जोधपुर मिलता, और मेरे को कितना चलना पड़ता, यहाँ से केवल और केवल 300 किलोमीटर चलना पड़ता, लेकिन एक्चुअल में तुम लोगों को कितना चलना पड़ा बेटा आपका, ये आपका 200 गया 200 गया 400 तो यही हो गया, यहाँ पे 250 यहाँ पे 250 तो 500 यही हो गया, फिर यहाँ पे चला, तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया बेटा आपका 400 + 500 + 300, तो बेसिकली हो क्या गया बेटा आपका, ये हो गया कि ये टोटल कितना चल चुका है बेटा आपका 1200 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो मेथड था कि मैं हिट एंड ट्रायल करूं, वो मेथड तो गलत था, पहले टाइम में लोग इसी तरीके से करते थे, सारा इधर चले गए अजमेर होगा, इस साइड चले गए जोधपुर होगा, इस साइड चले गए आपका क्या होगा बेटा आपका जयपुर होगा, उन लोगों को पता ही नहीं होता था कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे है ना एक ऐसी चीज डिफाइन की गई जो केवल और केवल डायरेक्शन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे यार,
किसको रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था अजमेर जोधपुर और जयपुर का, तो बेसिकली ये जो आपका अजमेर जोधपुर जयपुर का जो बोर्ड था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, जिस डायरेक्शन में इनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। और बेसिकली डायरेक्शन स्पेसिफाई की तो यहाँ पे बेसिकली यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या था बेटा आपका वन, और बेसिकली जो आपका वेक्टर था वो क्या दिखाता था, डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। तो देखना अब अगर मैं यहाँ पे इतना झोल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बोर्ड लगाता हूं इस तरीके के, ऐसा बोर्ड लगा दिया मैंने, ऐसा यहां लिख दिया बेटा मैंने जयपुर, यहां लिख दिया बेटा मैंने यहां पे क्या जोधपुर, और यहां पे लिख दिया बेटा अजमेर। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा है ना यहां पे सिंपल सा कुछ नहीं किया, इतनी माता बची हो रही है, 1200 किलोमीटर चल चुका है यार, सोच सकते हो आप लोग जाना कहाँ था, केवल 300 किलोमीटर, इसका पेट्रोल भी जल गया, इसका टाइम भी खराब हो गया, किसी काम से जा रहा तो काम भी खराब हो गया। तो लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे अपन एक ऐसा वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड केवल वन होना चाहिए। तो भाई साहब उन्होंने कौन सा वेक्टर इंट्रोड्यूस किया बेटा आपका यूनिट वेक्टर। तो इन्होंने क्या किया, इस साइड में ना डायरेक्शन दिखा दिखा, अच्छा ऐसे जाएंगे तो आपका क्या जाएगा जयपुर, अच्छा ऐसे सीधा चले जाएंगे तो आपका क्या जाएगा जोधपुर, और ऐसे चले जाएंगे तो आपका क्या जाएगा बेटा आपका अजमेर। अब बेटा ये चीज तो मैंने बोल दी, ये किसको डिफाइन कर रहा है बेटा, ये डायरेक्शंस को डिफाइन कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है वन है। देखना एक बात बताना, अगर मैं सिंपल सा बोलता हूँ तेरे को यहाँ पे कहाँ जाना है बेटा आपका जोधपुर जाना है, तो तू यहाँ पे जोधपुर कितने किलोमीटर, एक बात बताना यहाँ पे जो जोधपुर है बेटा आपका वो 300 किलोमीटर है। अच्छा इसकी डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड क्या है वन है, मल्टीप्लाई करना एक बार इसको, मल्टीप्लाई बाई वन, तो यहाँ पे कितना आया बेटा आपका 300 किलोमीटर। आहा 300 किलोमीटर पे आपका क्या है बेटा आपका जोधपुर है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिसकी डायरेक्शन क्या है वो डायरेक्शन ये है। मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं बेसिकली, तो इसके मैग्नीट्यूड पे जो आपका 300 किलोमीटर है, इसके मैग्नीट्यूड पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्या बेटा आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर उस बंदे को जयपुर जाना होता तो 200 किलोमीटर इधर जाता, तो बेसिकली ये आपका इस तरीके से था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 200 × 1 तो भी आपका 200 किलोमीटर ही आता है, इसके इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वन होता है, और जो वेक्टर होता है वो किसको शो करता है, जो वेक्टर होता है वो किसको शो करता है बेटा, बेटा आपका डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, किसको शो करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट आई कि आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या शो करता है, केवल और केवल डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को शो करता है, उसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है केवल वन होता है। क्या ये चीज समझ में आई, एक बार आप लोगों को अच्छा लगे तो जो लिख लेना जो मैंने बोला है, अपन लोग थोड़ा आगे चलेंगे। केवल समझाने के लिए मैंने बताया कि आप लोगों को किस तरीके से जो आपका यूनिट वेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किस तरीके से जब पहले टाइम में लोगों को परेशानी हुई तो किस तरीके से ये चीज निकल के आई थी। देखना यार इतना तो मैंने ना आप लोगों को बता ही दिया, और अपन लोगों ने कल बहुत ताजा ताजा अपने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में ये देखा है कि किसी भी आपका वन वेक्टर का दो परपेंडिकुलर वेक्टर में रिजोल्यूशन कैसे होता है, वो चीज भी अपन लोग कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इन सब चीजों को ना कनेक्ट करता हूँ। देखना या वो क्या देखा कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड वन होता है, और डायरेक्शन को ही वो क्या करता है शो करता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये होता है आपका एन के ऊपर कैप, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं एन का तो वेक्टर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपका इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा आपका वन, और बाकी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब देखना इतनी चीज आप लोगों को पता है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि अपने पास तीन डायरेक्शन होती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तो अपन लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखना ये आपका क्या है बेटा आपका, ये आपका इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा आपका प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका प्लस वाई, यहाँ पे होता है आपका माइनस वाई, ये कुछ इस तरीके से। अगर मैं जेड की बात कर लेता हूँ, जेड भी आपका कैसे निकला हुआ है इस तरीके से, ऐसे आपका जेड है, ये हो जाएगा प्लस जेड, ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस जेड। अब देखना होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि ये प्लस एक्स है, मतलब बेटा ये प्लस एक्स क्या है बेटा, यहाँ से प्लस डायरेक्शन जा रहा है, मतलब आपका एक दो तीन चार पांच ये प्लस में आएगा, या माइनस में एक दो तीन चार पांच आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, या प्लस में आएगा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इधर आ जाएगा जेड प्लस में आ जाएगा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, और इधर आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। बेटा बेसिकली यहाँ पे जो डायरेक्शंस होती है, जो आपका एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आपका आई कैप, क्या होता है बेटा आपका आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड वन, और जो वेक्टर होगा वो किसको शो करेगा बेटा आपका, वो बेसिकली इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो इधर होता है बेटा आपका आई कैप, क्या होता है बेटा आपका आई कैप, ये क्या है बेटा आपका डायरेक्शन।
अच्छा यहां होता है बेटा आपका माइनस आई कैप, क्या होता है बेटा आपका माइनस आई कैप, वाई में होता है बेटा आपका जे कैप और यहां पे होता है बेटा आपका माइनस ऑफ जे कैप, इस साइड में होता है बेटा आपका के कैप, यहां होता है बेटा आपका माइनस ऑफ के कैप। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा आपका यूनिट वेक्टर इन प्लस एक्स डायरेक्शन, क्या लिखता हूं बेटा आपका प्लस एक्स डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा बेटा आपका आई कैप कुछ इस तरीके से। अगर मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में, वो हो जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आई कैप। अच्छा इसी तरीके से बोलता हूं यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में, तो वो जो आएगा बेटा आपका वो आ जाएगा बेटा आपका आपका जे कैप प्लस का, और यही चीज मैं बोलता हूं माइनस वाई के अंदर तो ये आ जाएगा बेटा आपका बराबर कितना माइनस ऑफ जे कैप। अच्छा इसी तरीके से आपका के कैप, अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करता हूँ प्लस जेड है वो आ जाएगा बेटा आपका के कैप, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ माइनस जेड की डायरेक्शन की तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका क्या माइनस ऑफ के कैप। तो ये बेसिकली क्या यूनिट वेक्टर है रेस्पेक्टिवली डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन में जे कैप होगा और जेड डायरेक्शन में के कैप होगा, और वो क्या होगा बेटा आपका अगर माइनस डायरेक्शन है तो मतलब माइनस में है तो आपका आ जाएगा माइनस और प्लस में है तो आपका आ जाएगा प्लस। यहाँ पे इन सब का मैग्नीट्यूड वन होता है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर आपका जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर आपका के कैप का मैग्नीट्यूड, या फिर इस तरीके से बोल देता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका वन आएगा। अच्छा अब ये जो कहानी होती है ना ये ऐसे ही चलती है, मतलब इनके जो मैग्नीट्यूड रहेंगे वो हमेशा ही क्या रहेंगे आपके वन रहेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग आगे चलते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मतलब फिजिक्स का, ये आना ही चाहिए आप लोगों को। देखना अगर मैं आप लोगों को कल जो अपन लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था बेटा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब आपका जो एक वेक्टर होता है उसको आप लोग दो परपेंडिकुलर वेक्टर में किस तरीके से रिजोल्व करते हैं इसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर चुके हैं। देखना यार बेसिकली जो आपका वेक्टर वाला सेक्शन है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब आपके पूरे फिजिक्स के अंदर लगभग ये यूज आता ही आता है। चलो मैं एक बार इसको भी मिटा रहा हूं, आप लोगों को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, प्लीज देखते रहना। देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यार ये ऐसा है और ये आपका क्या कुछ इस तरीके से ऐसा है, अपन तो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा आपकी कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो अपन लोगों ने कल देखा था कि आपके दो कंपोनेंट निकल के आते हैं, अगर आर होता है तो उसका आर होता है तो उसका क्या रहता है बेटा आपका आर होता है तो उसका आर कॉस थीटा भी आ जाता है आर साइन थीटा भी आ जाता है, और थीटा किधर आता है सॉरी आपका जो आपका कंपोनेंट आता है वो किधर किधर आते हैं, एक आता है बेटा थीटा के साथ जो झुकाव होता है वो कॉस आता है, बाकी क्या आता है आपके साइन आते हैं। अब देखना अगर मैं बोलता हूँ बेटा आपका आर ये क्या है बेटा बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, आर वेक्टर का क्या है बेटा आपका मैग्नीट्यूड है। अच्छा अगर ये थीटा है तो मैंने आप लोग कल ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो थीटा के साथ अगर यहाँ पे इधर लेटाता हूँ तो ये क्या जाएगा बेटा आपका ये आर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका आर एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा। अच्छा इस साइड में बात कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका ये आ जाएगा बेटा आपका आर साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका आर ऑफ वाई। अच्छा एक बात होता अगर मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, वेक्टर फॉर्म अपन लोगों को लिखना आता है, अपन लोग कल भी लिखी थी, क्या होता है बेटा आपका जो आपका आर वेक्टर होता है वो क्या क्या हो सकता है बेटा आपका आर एक्स वेक्टर प्लस आपका आर वाई वेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखे हुए ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए, तो ये क्या है बेटा आपका मैग्नीट्यूड, क्या बेटा आपका मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बता ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर मैं बोलता हूँ एक्स ये डायरेक्शन कौन सी आपकी वाई, और अपन लोग जानते हैं जो अगर x डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन प्लस x में आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा आपका i कैप। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ तो r x का जो वेक्टर होगा वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी बेटा आपका r cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड, ये क्या है बेटा आपका मैग्नीट्यूड। अच्छा मल्टीप्लाई बाय आपका i कैप, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका डायरेक्शन, क्या आ जाएगा बेटा आपका डायरेक्शन। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर वाई का वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा बेटा आपका आर साइन थीटा डॉट प्लस वाई जे कैप, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा बेटा आपका डायरेक्शन। एक चीज बताना अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ तो आर वेक्टर अब आप लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आर वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका आर कॉस थीटा मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, और ये आ जाएगा बेटा आई कैप डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा प्लस आर साइन थीटा
और जे क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ, अगर मैं बात करता हूँ ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, रिप्रेजेंट आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये चीज आपकी होती है कुछ इस तरीके से। अब देखना, आप सब लोग जानते हैं बेटा कि अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं कि यहां पे अगर ये जो सिंपली मैंने बोल रखा है, इस सिंपल चीज के अंदर अगर मेरे को यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, मैं बोल दू बेटा आपका डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, क्या बोलू बेटा आपका डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यार आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो मैंने रिजोल्व किया है और रिजोल्व करके बेसिकली मैंने आर वेक्टर लिख लिया, आर वेक्टर क्या होगा ये चीज। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन निकालना होगा तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज में आएगा, और यूनिट वेक्टर के केस में मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली वन होता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला जो होता है वो लिख देना, अच्छा जो कैप होता है ना उसके साथ अपन लोग लिखते हैं, आर कैप लिख रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका आर का मैग्नीट्यूड। अच्छा कई बच्चे ऐसा अभी मैंने बताया था आपको कि एन कैप बराबर हो जाता है बेटा आपका एन वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका एन का मोड। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो भी आपकी क्वांटिटी होती है मतलब आर होती है, एस होती है, के होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूँ। बेसिकली यहाँ ऊपर क्या आता है वेक्टर आ जाता है, नीचे क्या आ जाता है मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब देखना एक सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे आर का मोड निकालना होता है इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, जो अंदर होता है उसका स्क्वायर कर दो और उसके साथ लिख दो। देखना ये हो जाएगा बेटा आपका आर का मैग्नीट्यूड बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा बेटा आपका आर कॉस थीटा आई कैप का स्क्वायर प्लस आपका आर साइन थीटा जे कैप का स्क्वायर। बेसिकली एक बात बता, ये जो हमने आई लिखा और ये जो जे लिखा है ये क्या है, डायरेक्शंस है, क्या है बेटा आपका डायरेक्शंस है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अगर ऐसा बोलूं कि ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर जो आपका आर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका आर कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यार इसका जो आई का स्क्वायर होगा मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो वन होता है, तो बेसिकली इसका वन हो जाएगा प्लस आपका आर साइन थीटा, और जे का स्क्वायर होगा इसका भी मैग्नीट्यूड आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वन, तो आई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा आपका वन, नीचे लिखवाई भी थी तो ये आ जाएगा। अब यार होता क्या है, इतनी चीज होने के बाद के अंदर अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो आपका आर आ रहा है क्या आ रहा है बेटा आपका आर, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ बेटा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट कुछ इस तरीके से। अब देखना ये जो कहानी है आर वेक्टर, यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका आर कैप बराबर आपका, देखना यहाँ आर वेक्टर क्या जाएगा बेटा आपका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आपका आर साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बेटा आपका कुछ इस तरीके से, इसको ऐसा ही लिख लेते हैं आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आपका आर साइन थीटा का स्क्वायर इस तरीके से। तो यार ये हुआ क्या, यही हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है तो ये क्या है बेटा आपका आर वेक्टर, आर कैप है जो क्या कर रहा है केवल आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना अभी जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं कि ये जो आपकी टर्म होती है ये वाली और ये वाली इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड यूज में लेते हैं यार, क्योंकि डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी आई कैप है तो मतलब आने वाला होता है। तो देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इस तरीके से तो ये हो जाएगा बेटा आपका आर कॉस थीटा का स्क्वायर, कल किया था वैसे आर साइन थीटा का स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप लोग का क्या कर दो वहां वैल्यू पुट कर दो। अब वो अलग बात है कि आर स्क्वायर का आप लोग कॉमन ले लोगे तो आर बार आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन आ जाएगी, वो अलग चीज है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या आता है, ये आता है आपका यूनिट वेक्टर, क्या आता है बेटा आपका यूनिट वेक्टर। बेसिकली ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर, रिप्रेजेंट कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर, कि आर वेक्टर को किस तरीके से यूनिट वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है आर कैप वो किस तरीके से निकाल ली जाती है। चलिए सर देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से है कि जो आपका एफ वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका थ्री आई कैप प्लस आपका फोर जे कैप माइनस ऑफ वन के कैप, आप लोगों को इसका क्या निकालना है, इसका आप लोगों को सिंपल सा यूनिट वेक्टर निकालना। देखना अगर मैं आपका यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आप लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर जो होता है वो होगा आपका कुछ इस तरीके से एफ कैप बराबर आपका एफ का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका एफ का मैग्नीट्यूड।
कुछ इस तरीके से। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो आप लोग सब मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर प्लस आपका -1 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा अंडररूट, जो बेसिकली क्या जाएगा 9, 16 और आपका 1, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका बराबर आपका 26। कितना आ जाएगा बेटा आपका 26। अगर ये फोर्स है तो ये किसमें दे रखा होता है बेटा आपका, न्यूटन में दे रखा होता है, तो ये भी होगा आपका न्यूटन। यार ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैप की बात करता हूँ, एफ कैप की बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो वो हो जाएगा बेटा आपका क्या, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका एफ का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3i कैप प्लस आपका 4j कैप माइनस ऑफ आपका k कैप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा आपका √60 26, ये आ जाएगा आपका √26। कुछ इस तरीके से क्या आ जाता है, इसकी डायरेक्शन निकल के आ जाती है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन था ना बेटा, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर अपन लोग बढ़ते हैं, देखिए इसका एप्लीकेशन ही बेसिकली सब जो चैप्टर्स होता है उसमें यूज में आता है, अपन लोग केवल यही देख रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखो अगर मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दूं कि यहाँ पे आपके पास ऐसा है बेटा, ये कुछ इस तरीके से क्या एक वेक्टर है, क्या है बेटा आपका एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है बेटा आपका 5 न्यूटन, फोर्स दे रखा है एफ बराबर, और यहाँ पे जो ये एंगल है बेटा वो है बेटा आपका 37 डिग्री। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या पूछा, मैंने यहाँ पे पूछा फर्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, और जो दूसरा है वो बोला मैंने कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। बेसिकली रिजल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा आर वेक्टर। अब यार आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अपन लोगों ने कंपोनेंट वगैरह करना सीखा है, तो यार मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपका कितना डिग्री बेटा 37 डिग्री है, तो अपन लोग जानते हैं जो आपका थीटा बनता है उस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर गिराता हूं तो ये कॉस वाला आ जाएगा, तो 5 cos of 37 degree बराबर आपका 5 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, cos 37 की वैल्यू मेरे हिसाब से होती है 4/5, जो मैंने आप लोगों को पहले बताई भी थी, तो ये आपका 5 से 5 चला जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 4 न्यूटन, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके ऐसे 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 ऐसे, और ये हो जाएगा बेटा ये वाला, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 sin 37 degree, और ये हो जाएगा बेटा आपका 5 multiply by 3/5, ये आ जाएगा बेटा आपका 3 न्यूटन। ये जो आपका 4 न्यूटन आ रहा है, ये जो आपका 3 न्यूटन आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब मुझे ये बताएं ये जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा आपकी, एक्स डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होती है आपकी वाई डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे अगर मैं ये तो आपका क्या लिखा, इसके कंपोनेंट निकाले, लेकिन अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वो बेसिकली क्या होगा बेटा आपका, उसको यूनिट वेक्टर की टर्म में आप लोग क्या अगर रिप्रेजेंट करें, 4 का 4, ये तो आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कौन सी, एक्स, एक्स के अंदर अपन लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, तो ये आई कैप प्लस आपका 3, ये आ जाएगा बेटा आपका 3 j कैप, कुछ इस तरीके से। अच्छा डायरेक्शन आ गई, सॉरी रिजल्टेंट आ गया, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, आप लोग डायरेक्शन निकाल दीजिए, मुझे पता है जो आपका आर कैप होता है बराबर होता है आर का मैग्नीट्यूड, सॉरी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका आर का मैग्नीट्यूड। अच्छा इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा आपका आर वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, जो मैंने अभी भी निकाली वो है बेटा आपका 4i + 3j / आर का मॉड, आर का मॉड कितना आ जाएगा बेटा आपका, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4 का स्क्वायर, मतलब आपका √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका 16 + 9 अंडररूट के अंदर, ये आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ क्या आ जाएगा नीचे आपका 5 न्यूटन, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका आर वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी 4i कैप 4/5 i कैप + 3/5 j कैप। अब देखना ये चीज तो आप लोगों को समझ में आएगी होगी, ये कुछ इस तरीके से निकलता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि एक और अपन लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ इस तरीके से, यार हमेशा ये ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन होती है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या लेते हैं चीजों को लिखते हैं। देखना क्या बोल रहा हूं यार, अगर मैं आप लोग ऐसा बोलूं कि मान लीजिए ये मैंने ऐसे खींच दिया, ये मैंने ऐसा खींच दिया, और यहां पे मैंने बोला ये जो है ना आपका इस तरीके से है, इसको बोल देते हैं बेटा अपना 10 न्यूटन, ठीक है, ये बेसिकली क्या दे रखा है बेटा आपका फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपका फोर्स दे रखा है, और यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है ना बेटा, ये बना रहा है बेटा आपका 30 डिग्री, क्या बना रहा है बेटा आपका 30 डिग्री। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, इसके कंपोनेंट वगैरह कर सकते हैं, मेरे को दो क्वेश्चन निकालना है, एक तो आपका इसका डायरेक्शन निकालना है, दूसरा इसका
जो आपका एफ है, एफ वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म्स के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यार ये जो चीज निकालते हैं ना हम लोग, रिप्रेजेंट द एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो देखना कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट। अच्छा यहां पे अगर मैं ऐसे 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 खींच देता हूं यहां पे, तो यार एक बात बताइए किधर झुका हुआ, इधर आपका 30 ऐसे झुकेगा, जिस तरफ थीटा होता उस तरफ झुकता है, क्या जाता है बेटा आपका कॉस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका टेन कॉस 30 डिग्री बराबर आपका 10 का 10 कॉस 30 की वैल्यू होगी बेटा आपकी रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आपका हो जाएगा बेटा आपका 5√3। बेसिकली ये न्यूटन है तो ये आ जाएगा। अच्छा इसका परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके ये आ जाएगा बेटा आपका साइन वाला, तो इसको क्या ले लूंगा बेटा आपका 10 साइन 30 डिग्री बराबर आपका जाएगा 10 मल्टीप्लाई साइन 30 में 1/2 होती है 1/2, ये 2 से 5 10 गया तो आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन। अच्छा मेरे पास ये दो चीज आ गई। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली यहां डायरेक्शन देखनी, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस प्लस वाई, यहां हो जाएगा बेटा आपका माइनस एक्स, ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस वाई। अच्छा इस डायरेक्शन के अंदर आपका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, माइनस के अंदर आपका माइनस ऑफ आई कैप, यहां पे आपका प्लस ऑफ जे कैप, यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ जे कैप, ये यूनिट वेक्टर इन माइनस वाई डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको कैसे लिखूं, एफ वेक्टर बराबर आपका मैग्नीट्यूड कितना है, पहले एक्स लिखते हैं, तो इधर देखना मैग्नीट्यूड कितना है बेटा आपका 5√3। अच्छा डायरेक्शन कौन सी है, माइनस ऑफ आई, तो इसको कैसे लिख दूंगा बेटा आपका 5√3 ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ आई कुछ इस तरीके से प्लस। अब देखना यहां पे अगर मैं इसकी बात बोलता हूं वाई, तो ये 5 न्यूटन है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन सी है बेटा आपका माइनस ऑफ जे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ जे कैप। अब देखना इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा आपका 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5√3 आई कैप प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका बाहर ले लूंगा तो 5 जे कैप। चलिए ठीक है एफ वेक्टर आ गया। अब बेटा मेरे को क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, वेरी गुड। अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा आपका एफ कैप बराबर आपका एफ का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका एफ का मैग्नीट्यूड। अब देखना एफ का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात बोलता हूं तो एफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा बेटा आपका, एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेसिकली ये जो टर्म है माइनस ऑफ 5√3 और ये जो आपका माइनस ऑफ 5 है, बेसिकली यहां पे अगर मैं बोलता हूं ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये जो कहानी है इस कहानी के अंदर आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5√3 माइनस का इसका स्क्वायर प्लस आपका माइनस 5 का स्क्वायर इसका आएगा अंडर रूट। चलिए देखिए अगर ये आ गया तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये जो होगा आपका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आपका 5 मतलब आपका 25। एक बात बताना ये 75 हुई 25 बेसिकली कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका 100√ का और बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा मेरे पास रिजल्टेंट आ चुका है, मेरे पास इसका वेक्टर फॉर्म आ चुकी है, बेसिकली मेरे को क्या निकालना है एन कैप निकालना, मतलब आपका आर कैप डायरेक्शन तो हो जाएगा एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका एफ ऑफ वेक्टर का मॉड बराबर आपका देखना माइनस ऑफ 5√3 आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा आपका 10 न्यूटन, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 कुछ इस तरीके से। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -5√3 डिवाइडेड बाय आपका 10 आई कैप -5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू जे कैप। अब देखना ये जो कहानी है ना, इस कहानी को यहां लिखते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 5 से ये कट जाएगा कितना आ जाएगा √3/2 आई कैप माइनस ऑफ आपका 1/2 जे कैप, ये क्या आ जाएगी बेटा आपकी डायरेक्शन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। अब देखना मैं आपको थोड़ा सा अच्छा इलस्ट्रेशन देता हूँ, आप लोग ट्राई करना ना, एटलीस्ट ट्राई करना। देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो डायरेक्शन सेंस होता है वो डायरेक्शन सेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं मैंने आपको डायरेक्शन सेंस। देखना मैंने आप लोगों को डायरेक्शन सेंस बताया था कि आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उस प्लेन के अंदर किस तरीके से डायरेक्शन सेंस काम करता है। बेसिकली मैंने आप लोगों को शायद इस तरीके कुछ बना के बताया था, ऐसा 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 और ये ऐसा, यहां पे ऐसा और ये ऐसा बताया था शायद या बताया ही था। देखो ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा और ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका डाउन, ये था आपका अपवर्ड, ये हो जाएगा बेटा आपका डाउनवर्ड। अच्छा ये क्या था बेटा आपका,
इसको NEWS लिखा था और S, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये प्लेन है ना, तो इसी प्लेन की अपन हमेशा बात करते हैं, तो इस प्लेन क्या देखिए, इसको E को बोल सकता हूँ प्लस X, इसको बोल सकता हूँ बेटा आपका माइनस X, इसको बोल सकता हूँ बेटा आपका प्लस Y, इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ Y, ठीक है। यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर I कैप हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ I कैप हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका J कैप हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ माइनस ऑफ J कैप हो जाएगा। इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लेते, ये Z हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ Z हो जाएगा, यहाँ पे K कैप हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका प्लस का K कैप। देखो ये मैंने चीजें क्यों बताई, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विद मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट देखे पूछ लेता है, अब आपका इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, इसका वेक्टर होगा, वो फॉर्म निकाल के बताओ। इसलिए मैंने वापस आपको क्यों रिकैप दिया है, ये चीज अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए अगर करना चाहे तो, नहीं तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखना अब जो क्वेश्चन कराना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसके ऊपर ध्यान देना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग मेरे को कमेंट वगैरह बताएंगे कि कैसे हो गए, ठीक है। देखिए यार, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास है ना इस तरीके से दे रखा है ऐसा, ये आपका ऐसा 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 और ऐसा, अगर मैं बोल देता हूं बेटा आपका ये होता है बेटा आपका एन ई डब्ल्यू और ये आपका एस, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं बेटा आपका 10 न्यूटन साउथ ऑफ सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसका मेरे को एक तो वेक्टर फॉर्म एंड डायरेक्शन दोनों निकाल के बताओ। तो यार मेरे को ये चीज समझ में आती है, 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से मेरे को कहां जाना है बेटा, नॉर्थ की तरफ जाना है, और यहां पे मैं डिग्री लेता हूं बेटा आपका 60 डिग्री, कितना लेता हूं बेटा आपका 60 डिग्री। तो बेसिकली आप लोगों को क्या दे रखा है, एक ऐसा फोर्स दे रखा है जो नॉर्थ से चलने के ऊपर कितना चलना होता है 60 डिग्री और आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ऐसा ये हो गया बेटा आपका 10 न्यूटन और यहां पे आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। मेरे को क्या निकालनी है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है। अच्छा मेरे को ये चीज पता चल गई, ईस्ट ईस्ट का मतलब क्या होता है बेटा आपका प्लस ऑफ एक्स, अच्छा वेस्ट वेस्ट का मतलब होता है बेटा माइनस ऑफ एक्स, अच्छा नॉर्थ नॉर्थ मतलब आपका प्लस ऑफ वाई, अच्छा साउथ माइनस ऑफ वाई, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप, यहाँ पे यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ आई कैप, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका जे कैप, यहाँ पे वेक्टर आपका माइनस ऑफ जे कैप। अब देखना सिंपल सा फंडा है, वही कहानी होती है, केवल आप लोग क्वेश्चन दे दिया 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट है 60 डिग्री बना रहा है, तो आप लोग मेरे को बताइए यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, या फिर यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, 10 न्यूटन क्या होता है, एक फोर्स होता है। चलिए आइए, अगर मैं यहाँ से ऐसे 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 परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये जो आपको मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, आपका कॉस का कंपोनेंट मिल जाएगा, क्योंकि थीटा इधर ही झुक रहा है, मतलब यहां से झुकाऊंगा ये पहली बार यही झुकेगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 cos 60 डिग्री, अच्छा 10 60 डिग्री वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन, वेरी गुड। अब देखना यहां से ऐसे 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 जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर वो होता है बेटा आपका साइन का, तो हो जाएगा 10 साइन 60 डिग्री, और 10 साइन 60 डिग्री वैल्यू जो होती है बेटा रूट 3/2 होती है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 से 10 कट जाएगा, मतलब आपका 5 रूट ऑफ 3 न्यूटन, कुछ इस तरीके से। चलिए आइए वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ एफ वेक्टर, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी आई वाली है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 आई कैप प्लस। अब देखना यहाँ पे कौन सा बेटा 5 रूट 3 वाई में, डायरेक्शन आपका जे, ये आ जाएगा बेटा आपका 5 रूट ऑफ 3 जे कैप, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये बेसिकली निकल के आ गया आपका डायरेक्शन सॉरी वेक्टर फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात बोलता हूँ तो ये आपका ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 25, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस आपका 5 रूट 3 का भी स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं रूट के अंदर, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 25 प्लस आपका 25 मल्टीप्लाई बाय आपका 3, तो ये बेसिकली आपका कितना आ जाएगा 25 प्लस आपका 75 अंडररूट बराबर आपका आ जाएगा कितना बेटा आपका 100, ये आपका अंडररूट के अंदर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा बेटा आपका कितना 100 मतलब आपका 10 न्यूटन। तो अपने पास क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गई मैग्नीट्यूड भी आ गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा है कि आपका जो एफ कैप होता है वो कितना होता है बेटा आपका एफ का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका मॉड ऑफ एफ,
चलिए आइए देखिए वहां पर कितना दे रखा है बेटा आपका 5i कैप प्लस आपका 5√3 जे कैप डिवाइडेड बाय कितना है बेटा आपका 10। तो वही वाली कहानी अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 डिवाइडेड बाय 10i कैप प्लस आपका 5√3 डिवाइडेड बाय आपका 10 जे कैप। अब देखना ये आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका बेसिकली 1/2i कैप प्लस आपका √3 डिवाइडेड बाय 2 जे कैप। ये क्या आ जाएगी बेटा आपकी डायरेक्शन, क्या आ जाएगी बेटा आपकी डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इनको एक दो बार आप लोग ट्राई करें, अगर कोई डाउट आता है तो पूछना। देखिए आप लोगों को ना कुछ अच्छे क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग उसको ट्राई करना। अच्छे क्वेश्चंस क्या है बेटा कुछ इस तरीके से देखना, अगर मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं तो देखिए, देखो कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर हो गया, आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। देखना जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है बेटा आपका 10 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे लिख दीजिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दूसरा देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं बेटा आपका 50 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तीसरा लिखिए, तीसरा बोल देता हूं बेटा मैं यहां पे क्या 100 न्यूटन 45 डिग्री वेस्ट साउथ। अगर मैं चार नंबर बोलता हूं बेटा आपका 100 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। पांच नंबर बोलता हूं बेसिकली मैं आपका क्या, पांच नंबर बोल देते हैं अपन लोग ईस्ट ऑफ साउथ, क्या बोलते थे अपन लोग 20 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो यार बेटा ये जो आपके चार पांच क्वेश्चन ये आप लोग करके बताएंगे, और यहाँ पे क्या निकालना, सबसे पहले आप लोगों को निकालना बेटा आपका इसका वेक्टर फॉर्म, और फिर आप लोगों को निकालना इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन आएगा यूनिट वेक्टर से, और जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो कंपोनेंट से आएगी। चलिए एक बार इसको ट्राई करना, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं इसीलिए ये करवाए जा रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे इनको। देखिए अब अगर मैं ना आप लोगों को कुछ एक ना अच्छा क्वेश्चंस कराता हूँ यार, कभी कभी है ना मतलब फंडामेंटल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वेक्टर के जो एडिशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे आ जाते हैं, या फिर इनके मैग्नीट्यूड के बेसिस भी आपका क्या बनता है बेटा आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखना बड़े आराम से देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके क्वेश्चन से समझेंगे, F1 वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका 3k कैप, ठीक है। और जो आपका दूसरा दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका F2 वेक्टर, वो दे रखा है बेटा आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस आपका 6k कैप, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या बोला गया बेटा आपका, पहला F1 वेक्टर प्लस आपका F2 वेक्टर निकालो, दूसरा बोला गया बेटा आपका F1 वेक्टर माइनस आपका F2 वेक्टर निकालो, तीसरा बोला गया बेटा आपका F1 वेक्टर प्लस 3F2 वेक्टर निकालो, चार नंबर बोला गया बेटा आपका ऐसा कर लेते हैं F1 वेक्टर माइनस 2F2 वेक्टर निकालो। यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इजी है, केवल जस्ट इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ हाँ ऐसा होता है। देखना अगर मैं यहाँ पे वेक्टर को एडिशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखना F1 प्लस F2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका F1 वेक्टर प्लस आपका F2 वेक्टर बराबर आपका दोनों का एडिशन। अच्छा एक बात बताओ ना, आम आम के साथ जुड़ता है, जुड़ जाना मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और जो आपका बेसिकली कोई केला है तो केले के साथ ही जुड़ता है। तो अपन लोग जब भी एडिशन करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि आई जे को जोड़ देंगे, आई और जे को जोड़ देंगे, आई और के को जोड़ देंगे, बेसिकली आप लोग आई के साथ आई को जोड़ेंगे, जे के साथ जे को जोड़ेंगे, और के साथ के को जोड़ेंगे। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ बेटा कि ये जो आपका ये हो जाएगा F1 प्लस F2 होगा, तो यहाँ पे आई क्या है बेटा आपका 4i प्लस i मतलब आपका 5i कैप प्लस 2 और 5 7j कैप प्लस 6 और 3 9k कैप कुछ इस तरीके। अब देखना ये चीज समझ में आ गई, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ F1 माइनस F2 तो आप लोग जो सब्ट्रैक्शन करेंगे या घटाएंगे वो भी क्या घटाएंगे, सेम क्वांटिटीज को ही घटाएंगे, तो आई के अंदर से आई, तो मैंने क्या बोला F1 माइनस F2 करना है, तो आई माइनस 4i मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका F1 माइनस ऑफ आपका F2 बराबर आपका
आई माइनस फोर आई क्या हो जाएगा बेटा आपका आई कैप माइनस ऑफ आपका फोर आई कैप प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका टू आई कैप माइनस आपका फाइव जे कैप। इसी तरीके तीसरा क्या हो जाएगा बेटा आपका थ्री के कैप माइनस सिक्स के कैप थ्री के कैप माइनस सिक्स के कैप कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो ये आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ थ्री आई कैप प्लस अच्छा दो में से आपका पांच गया मतलब आपका माइनस ऑफ थ्री जे कैप माइनस ऑफ थ्री के कैप कुछ इस तरीके से। अच्छा ये क्या बोल रहा है टू एफ वन प्लस थ्री एफ टू पहले टू एफ वन निकालो तो क्या लिख लूंगा यहाँ पे टू एफ वन प्लस आपका थ्री F2 कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली बेटा आपका जो ये दे रखा है उसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जब बताना था तो इसे 200 पूरे को टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 2i कैप प्लस आपका 4j कैप प्लस आपका 6k कैप प्लस ये वाली टर्म जो थी ये आ गई। अच्छा 3f2 3f2 की बात करते हैं 3f2 मतलब आपका 4 * 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 12i कैप प्लस 5 * 3 कितना हो जाएगा सॉरी यहां पे 4 * 3 है ना 4 * 3 12 4 5 * 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस आपका 3 * 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 18 कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या आ गया बेटा आपका ये वाली कहानी। अब अगर मैं यहां पे जोड़ता हूं ऐड करता हूं तो क्या 2i और 12 आई ये कितना हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 4 और 15 हो जाएगा बेटा आपका 19 जे कैप प्लस 6 और 18 कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 और 24 के कैप कुछ इस तरीके से। तो यार ये क्या है ये कुछ इस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं क्या होते हैं बेटा आपके एडिशन भी होते हैं और सब्सट्रैक्शन भी होते हैं। देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इस तरीके से कराया जा रहा है। अब यार अगर मैं आप लोगों को सिंपल से बोलूं माइनस करना तो एफ वन माइनस पहले इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर कर देंगे अपन एक ना इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं जो आपके जनरली है ना लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को पूछ ली जाती है। क्या किया जाता है बेटा आपका लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को पूछ लिया जाता है। देखिए अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं दो चीज होती है यार एक होता है बेटा आपका कुछ इस तरीके से एफ वन प्लस आपका एफ टू और एक होता है बेटा आपका एफ वन का मैग्नीट्यूड प्लस आपका एफ टू का मैग्नीट्यूड। चलिए यार ये भी हो सकता है कि यहां पे जो अपन लोग चीजें बोलते हैं ये आपका इस तरीके से और ये आपका इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये इस तरीके से लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम। बेसिकली यहां पे जो ये टर्म लिखी हुई मैग्नीट्यूड ऑफ सम और दूसरा लिखा हुआ है बेटा आपका सम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जीवन में हमेशा एक चीज याद रखना ये जो दो टर्म है ना ये दो टर्म बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पे आप लोगों का जनरली पूछ ली जाती है कि आप लोग निकालिए जो वेक्टर दे रखा है इसका सम ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ सम निकालिए। तो बेटा जब भी आप लोग ऐसा बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम तो पहले आप लोग वेक्टर्स जो होते हैं एफ वन प्लस आपका एफ टू बेसिकली आप क्या दे रखा है एफ वन और एफ टू दे रखा है क्या दे रखा है बेटा आपका एफ वन और एफ टू दे रखा है। तो बेटा जब आपका एफ वन और जब आपका एफ टू दे रखा है तो क्या बोला मैग्नीट्यूड ऑफ सम पहले उनको सम कीजिए वेक्टोरियली आप लोग क्या करेंगे पहले सम करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से निकालना आता है ठीक है। अब क्या बोला जो आपका सम ऑफ मैग्नीट्यूड पहले आप लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका एफ वन का मैग्नीट्यूड निकालिए प्लस एफ टू का मैग्नीट्यूड निकालिए फिर आप लोग इसको क्या कर देंगे एड कर देंगे क्या कर देंगे एड कर देंगे कुछ इस तरीके से। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ सम पहले सम करेंगे वेक्टर का फिर उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे एफ वन का मैग्नीट्यूड बी वन एफ टू का मैग्नीट्यूड फिर उसका सम करेंगे इस तरीके से। एक और अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाइए क्या लिखा हुआ डिफरेंस तो दोनों वेक्टर को पहले आप लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे एफ वन माइनस आपका एफ टू फिर क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड करेंगे उल्टा पकड़ेंगे मतलब जो एंड में लिखा हो पहले काम करेंगे डिफरेंस निकालेंगे फिर आपका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे इंडिविजुअल का फिर डिफरेंस निकालेंगे तो देखना एफ वन एफ टू क्या निकाल दिया बेटा आपका मैग्नीट्यूड निकाल दिया इसका अब इसका डिफरेंस ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा यही कहानी अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ ये क्वेश्चन है
ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपन लोग क्या निकालना है बेटा, आपका सम ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों को क्या करूँ, एड करूंगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 5i कैप, प्लस आपका 5 और 2 7j कैप, प्लस आपका 3 और 6 9k कैप। अब ये तो मैंने क्या निकाल दिया बेटा आपका, ये निकाल दिया मैंने यहाँ पे f1 प्लस आपका f2 वेक्टर। यार इतना आने के बाद अपन लोग क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप लोगों को सबको पता है कि जब भी मैग्नीट्यूड की बात बोली जाती है तो इनका क्या करेंगे, इंडिविजुअल का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे। यही करते हैं, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, या फिर ऐसा लिख लेते हैं इसको 5 का स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर प्लस आपका 9 का स्क्वायर प्लस आपका कुछ इस तरीके से। ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 25 प्लस आपका 49 प्लस आपका ये हो जाएगा 81, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सम। और अगर मैं यही बोलता हूं आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या करेंगे, f1 माइनस f2 निकालेंगे, f1 माइनस ऑफ आपका f2, कुछ इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे f1 माइनस f2 निकालते हैं तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, देखना। अगर इसकी बात बोलता हूँ तो यहाँ पे अगर f1 माइनस f2 निकाल रहे, मतलब इन दोनों माइनस करेंगे, पहले कौन f1 बाद में कौन f2 है, तो यहाँ पे i माइनस 4i मतलब आपका माइनस ऑफ 3i, 2 माइनस 5 मतलब आपका माइनस ऑफ 3j, और इसी तरीके माइनस ऑफ 3k आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है बराबर। यह आ जाएगा आपका इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकालते, डायरेक्ट निकालता हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आपका माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आपका माइनस 3 का स्क्वायर। अब बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 प्लस आपका 9 प्लस आपका 9, कुछ इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे जो चीज बोली हुई वो क्या बोली हुई बेटा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर सम करेंगे। देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आई, मतलब आपका इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, इसके पास क्या है बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लो, तो 1 प्लस 4 प्लस आपका 9, और ये आ जाएगा बेटा आपका कितना 9 और 10 और रूट ऑफ 14, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, अब देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूँ f2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो f2 का मैग्नीट्यूड जब निकालूंगा तो वही वाली कहानी, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर प्लस आपका 6 का स्क्वायर अंडर रूट बंद, बराबर आपका 16 प्लस 25 प्लस 36। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड का सम निकालना है, तो आप लोग इसका सम निकाल दीजिए। क्या कर देंगे यहाँ पे, अब ये कहानी तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए पहले, ये वाली कहानी अंडर रूट 14 और अंडर रूट ऑफ दिस, और अगर सब्सट्रैक्शन निकालना है तो इसी का आप लोग क्या कर देंगे या माइनस लिख देंगे। तो यार ये कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका, ये क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो वेक्टर होता है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, कहीं पे भी डाउट आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पे आप लोग लैक कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को क्या करूंगा, हेल्प करूंगा।